कोतवाली पुलिस ने 7 साल पूर्व एक ट्रक अंग्रेजी शराब पकड़ी थी। महू पुलिस ने पहली बार पकड़ी लाखों रुपए की 850 पेटी अंग्रेजी शराब को नष्ट किया। शुक्रवार को कैंट बोर्ड की ट्रेचिंग मैदान में लाखों रुपए की शराब नष्ट की गई। इस दौरान पूरी कार्यवाही की समिति द्वारा मॉनिटरिंग भी की गई। महू पुलिस द्वारा पहली बार इस तरह की शराब नष्टीकरण की कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दें कि महू पुलिस द्वारा 7 साल पूर्व 2014 में ट्रक भरकर अवैध शराब पकड़ी गई थी। मालिक का पता नहीं चलने पर कोर्ट ने अवैध शराब को नष्ट करने का आदेश दिया, इसलिए थाना प्रभारी डीके पुरी द्वारा समिति के माध्यम से नष्ट की गई शराब की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। महू से अंजित मोनू बाथम की रिपोर्ट। अवैध शराब होती है जिसको समय समय पे हमारे पुलिस अधिकारी जांच के दौरान या शिकायत मिलने पर जब्त करते हैं, तो ये जब तक के इनके केसेस का डिस्पोजल नहीं होता जब तक थाने पे रहती है, क्योंकि लंबे समय से डिस्पोजल होने के बाद भी थानों पे सब अवैध शराब रखी हुई थी। हालांकि इसको हम लोग बिनिश करते हैं। आपने देखा कि अभी सारी जो शराब थी मात्रा में अलग अलग तरह की, इसको सबको यहाँ रख करके और एक रोलर से इसको डिस्ट्रॉय किया गया है, बिनिश किया गया है।